अगर फ्रेंड्स आपके पास है रियलमी का 9 और इस फोन को आपको लगाना है पैटर्न लॉक, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इस फोन में आप पैटर्न लॉक को सेट कर सकते हैं। आपने पहले से इस फोन के अंदर पासवर्ड लॉक लगा रखा है और आप इस फोन में लगाना चाहते हैं पैटर्न लॉक, तो मैं आपको बताऊंगा उसको आप कैसे सेट कर सकते हैं, मतलब चेंज करना चाहते हैं बाद में तो उसको चेंज कैसे कर पाएंगे, या फिर फर्स्ट टाइम लॉक करना चाहते हैं इस फोन को, लॉक करने जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा वो भी कैसे कर सकते हैं। तो सेटिंग ओपन कीजिए। सेटिंग ओपन करके आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स। सिंपली इस ऑप्शन पर आप चले जाइए। इस पर जाने वाले को सेट लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगा, इस पर जाइए। अगर इस फोन में आपने पासवर्ड वगैरह पहले से सेट कर रखा है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले आपको क्या करना होगा। तो इस तरीके से आपको क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कैसे आप पैटर्न लॉक को सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पैटर्न का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपका पैटर्न लॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए अपने पैटर्न लॉक के लिए, तो आपका पैटर्न लॉक इस फोन में सेट हो जाता है। अगर पहले से इस फोन में आपने फिंगरप्रिंट वगैरह लगा रखा था या फिर आपने ऐप जो भी स्क्रीन लॉक है वो सेट कर रखा था और उसको आप बाद में इसको अपडेट करना चाहते हैं, मतलब इसको पैटर्न लॉक में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मॉडिफाई पासवर्ड पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है वो लगाना पड़ेगा। मेरा फोन में पैटर्न, तो पैटर्न लगा देता हूँ, जिसके बाद आपको यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जिसके बाद आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है। इस पर सेलेक्ट करके आप पैटर्न लॉक को लगा पाएंगे।